HTML list. HTML list are used to specify list of information. All list may contain one or more list elements. ठीक है, जनरली एक लिस्ट क्या होता है जिसमें हम लोग एक या एक से ज्यादा कुछ पॉइंट्स हम लोग लिखते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग लिखते हैं पॉइंट वाइज. ठीक है, तो उसी को यहाँ पे हम लोग लिस्ट बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो लिस्ट होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं. सबसे फर्स्ट टाइप होता है ऑर्डर्ड लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो लिस्ट दिख रहा है ये ऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें हम लोग को नंबरिंग मिल रही है. 1 2 3 4 प्रकार की जो नंबरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट. ठीक है, सेकंड होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट. ठीक है, जैसे कि बुलेट्स बने होते हैं, जैसे मान के चलो मैं इसको चेंज कर देता हूँ और बुलेट्स कर देता हूँ. ठीक है, तो वैसा जो लिस्ट होगा इस प्रकार का, इसको हम लोग बोलेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट. इसको हम लोग बोलेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट, हम लोग इसको बोलेंगे. ठीक है, और थर्ड आता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट. ठीक है, कभी कभी हम लोगों को कुछ डेफिनेशंस वगैरह लिखने होते हैं. ठीक है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट या फिर डेफिनेशन लिस्ट का यूज करते हैं. ठीक है, तो तीनों के अलग अलग टैग हैं. ऑर्डर लिस्ट के लिए टैग होता है OL टैग, अनऑर्डर लिस्ट के लिए होता है UL टैग, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए होता है DL टैग. ठीक है, ऑर्डर लिस्ट में तो OL, इसको ध्यान रखना है. अनऑर्डर लिस्ट में तो UL, इसको ध्यान रखना है. और डिस्क्रिप्शन लिस्ट या फिर डेफिनेशन लिस्ट DL, इसको ध्यान रखना है बस. ठीक है, यहाँ पे एक नोट दिया हुआ, वी कैन क्रिएट अ लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट विच इज टर्म्स एज नेस्टेड लिस्ट. हम लोग एक लिस्ट के अंदर भी दूसरा लिस्ट बना सकते हैं. ठीक है, उसको हम लोग यहाँ बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट. जैसे कि हमने लूप्स वगैरह देखा था, नेस्टेड लूप, नेस्टेड फॉर लूप, यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट. वो भी हम लोग देखेंगे कैसे बनाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे, सबसे फर्स्ट है यहाँ पे HTML ऑर्डर्ड लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट. इन द ऑर्डर्ड HTML लिस्ट ऑल द लिस्ट आइटम्स आर मार्क्स विथ नंबर्स बाय डिफॉल्ट. ठीक है, यहाँ पे अगर ऑर्डर लिस्ट की हम लोग बात करें तो जितने भी हम लोग यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे डालेंगे वो बाय डिफॉल्ट नंबर्स में अरेंज हो जाएंगे. ठीक है, वो नंबर उसका स्टार्ट होगा 1 से, 1 2 3 4 5, इस प्रकार का जो भी हम लोग यहाँ लिस्टिंग करेंगे सबके सब लिस्ट को एक नंबर अलोकेट कर दिया जाएगा. ठीक है, इट इज नोन एज नंबर लिस्ट ऑल्सो. द ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विथ OL टैग एंड द लिस्ट आइटम्स स्टार्ट विथ LI टैग. ठीक है, यहाँ पे देखो कैसे हम लोग करते हैं. यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं OL टैग का, OL टैग का यूज करेंगे. OL टैग स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके अंदर लिस्टिंग करेंगे. जो भी हम लोग को पॉइंट्स की लिस्टिंग हम लोग को करनी है या फिर जो लिस्ट आइटम्स हम लोग को यहाँ पे देना है उसकी हम लोग यहाँ पे लिस्टिंग करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग दे दिए हैं कुछ नेम्स दिए हैं, एरीज, बिंगो, लियो, ओरेकल, कुछ इस प्रकार का हमने 4 टुक लिस्ट दे दिए. ये लिस्ट जो है इसके लिए हम लोग स्पेशल टैग यूज करते हैं, लिस्ट टैग, LI टैग. ठीक है, LI टैग का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है, जितनी भी लिस्ट होंगी वो LI टैग में हम लोग को यहाँ पे देना पड़ेगा. ठीक है, तो हमने यहाँ 4 दिया है तो इस प्रकार का आउटपुट हम लोग को देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, तो कैसे करना है इसको, OL टैग हम लोग को स्टार्ट करना है, उसके अंदर में जितनी भी लिस्टिंग होगी वो LI टैग के अंदर में करेंगे और लास्ट में OL को क्लोज कर देंगे. तो इस प्रकार से जो यहाँ पे हम लोग को आउटपुट मिलेगा कुछ इस प्रकार का आउटपुट मिलेगा. ठीक है, तो ये हुआ ऑर्डर्ड लिस्ट. नेक्स्ट आते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट. अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होगा, इन HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑल द लिस्ट आइटम आर मार्क्स विद बुलेट्स. ठीक है, बुलेट बुलेट छोटे से डॉट डॉट से वो लिस्टिंग किया जाएगा. इट इज ऑल्सो नोन एज बुलेटेड लिस्ट ऑल्सो. द अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट विथ UL टैग एंड लिस्ट आइटम स्टार्ट विथ LI टैग. ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग टैग यूज करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL टैग यूज करेंगे. ठीक है, UL टैग के अंदर सेम वैसे ही जैसे हमने OL टैग के अंदर किया था वैसे ही यहाँ पे हम लोग लिस्टिंग करेंगे. ठीक है, कैसे लिस्टिंग करेंगे, LI टैग से. LI टैग ओपन किए हम लोग ने, जो जो भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखना था वो लिख लिए और LI को क्लोज
क्लोज कर दिए, तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग दे देंगे। चार मैंने लिस्टिंग कर दिया, उसके बाद लास्ट में क्या किया, यूएल को क्लोज कर दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा एक अनऑर्डर्ड लिस्ट था वो कुछ इस प्रकार का आउटपुट हम लोग को दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बुलेट्स यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट से सर्कल टाइप का बुलेट होता है, तो हम लोग वहाँ पे अलग अलग टाइप के बुलेट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब थर्ड आता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम लोग कैसे देते हैं, HTML description list is also a list style which is supported by HTML or XHTML। ठीक है, generally हम लोग को अगर कहीं पे भी definition देना है, किसी का भी परिभाषा अगर हम लोग को लिखनी है web page पे, तो हम लोग क्या करते हैं, description list का use करते हैं। ठीक है, it is also known as definition list where entries are listed like dictionary or encyclopedia। ठीक है, जहाँ पे जो एंट्रीज होगी वो एक प्रकार का डिक्शनरी टाइप का होगा या फिर एनसाइक्लोपीडिया जो होता है उसका एक फॉर्मेट होता है अलग से, उसी फॉर्मेट में ये बनता है। द डेफिनेशन लिस्ट इज वेरी अप्रोप्रिएट व्हेन यू वांट टू प्रेजेंट ग्लॉसरी लिस्ट ऑफ टर्म्स और अदर नेम वैल्यू लिस्ट। अगर कुछ नेम्स वगैरह हम लोग को देना है, जनरली हम लोग को कोई भी डेफिनेशन देना है, किसी को परिभाषा देना है, किसी एक वर्ड को हम लोग को डिस्क्राइब करना है, तो हम लोग वहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट में तीन टाइप के टैग होते हैं। सबसे पहला होता है डीएल टैग। डीएल टैग ओपन करेंगे, ठीक है, डीएल टैग डिफाइन्स द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर में दो टैग और होते हैं, एक होता है डीटी। ठीक है, इसका मतलब होता है टैग्स डिफाइन से टर्म, जनरली इसको बोला जाता है डेफिनेशन टाइटल। ठीक है, इसको बोला जाता है डेफिनेशन टाइटल। फिर उसके बाद यहाँ पे जो डी डी टैग है, ठीक है, अब जो यहाँ टाइटल है, टाइटल के बारे में ये डी डी बताएगा। ठीक है, डी डी टैग का मतलब होता है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, DL स्टार्ट किया जो कि हमारा डेफिनेशन लिस्ट है, यहाँ से हम लोग का डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट हो चुका है। फिर अब हम लोग यहाँ टाइटल दे रहे हैं, डेफिनेशन टाइटल, उसके लिए हम लोग यूज किए यहाँ पे DT टैग, और यहाँ पे हम लोग ने एक वर्ड लिख लिया। ठीक है, और DT को यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे DD हमने यूज किया, DD, और यहाँ पे हम लोग डैश करके वन ऑफ द 12 होरोस्कोप साइन, इस प्रकार से हमने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा और यहाँ डीडी को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है। ठीक है, एरीज जो है इसका डिस्क्रिप्शन ये है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आ जाते हैं इस डेफिनेशन टाइटल में। टाइटल में ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग दिए डेफिनेशन टाइटल जो है बिंगो है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमने डीटी को क्लोज किया। अब इस बिंगो का हमको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन देना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डीडी यूज करेंगे, वन ऑफ माय इवनिंग स्नैक्स। ठीक है, और डीडी को क्लोज कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे फिर लियो के लिए एक डीटी टैग में टाइटल हम लोग ले लिए, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद टाइटल, उसके बाद डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग ने चार यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट हमने बना लिया। ठीक है, तो आउटपुट जब हम लोग को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का आउटपुट मिलेगा। ये डेफिनेशन का टाइटल है और ये डिस्क्रिप्शन है, मतलब ये डी टी टैग में हम लोग ने लगाया था और ये डी डी टैग में हम लोग ने लगाया था। ठीक है, फिर ये डी टी टैग में हम लोग ने टाइटल दिया, फिर उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन, फिर टाइटल, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर टाइटल, फिर डिस्क्रिप्शन, और ये टोटल क्या है, डीएल टैग के अंदर में लास्ट में यहाँ पे डीएल टैग क्लोज हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग ने देखा है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो तीन टाइप के यहाँ पे लिस्ट होते हैं जनरली, तो तीनों लिस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा रन करके देखेंगे एक एक करके। ठीक है, मैंने नोटपैड प्लस प्लस यहाँ पे ओपन कर लिया और सबसे पहले मैं इसको सेव कर लूंगा लिस्ट डॉट एच टी एम एल नाम से, मैं इसको सेव कर लिया।
और यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ HTML PGDCA फोल्डर के अंदर। ये लिस्ट करके हम लोग को HTML फाइल मिल गया है और ये यहाँ पे ओपन हो चुका है। और ये अभी फिलहाल के लिए ब्लैंक है, कुछ भी हमने कंटेंट नहीं लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे HTML से, HTML, और यहाँ पे HTML को क्लोज कर देंगे। फिर इस HTML के अंदर में हम लोग लेंगे सबसे पहले हेड टैग, ठीक है, और हेड को क्लोज करेंगे। हेड को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है, उसको थोड़ा सा अंदर ले लेते हैं हम लोग। हेड के अंदर हम लोग दे देंगे टाइटल, और टाइटल को यहाँ क्लोज कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग देंगे लिस्ट टैग, लिस्ट टैग हमने यहाँ पे दे दिया। अब ये तो हो गया हेड, अब इसके बाद आते हैं हम लोग बॉडी पे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बॉडी टैग, बॉडी, और बॉडी को मैं यहाँ क्लोज कर लेता हूँ क्योंकि बॉडी को क्लोज करना भी जरूरी है। बॉडी क्लोज हो गया, अब बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ पे लिस्ट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ H2, ठीक है, सबसे पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पे H2, यहाँ पे मैंने दे दिया, ठीक है, H2 को क्लोज कर दिया। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहला ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे जो नोट्स में अभी अभी मैंने बताया, सेम यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ठीक है। एरिस, बिंगो, लियो और ओरेकल, ऐसा भी हम लोग ले सकते हैं या अपने मर्जी से कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट के लिए स्टार्ट करूंगा ओएल टैग, ओएल, ठीक है, और ओएल को मैं क्लोज कर दूंगा, ओएल को मैंने क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद नीचे लेके गया और यहाँ पे मैं लिस्टिंग करूंगा इसके अंदर, अंदर में यहाँ पे मैं लिस्टिंग करूंगा। और लिस्टिंग करने के लिए मान के चलो मैं कुछ फ्रूट्स के नेम ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा एल आई टैग को क्लोज करूंगा, ठीक है, एल आई टैग मैंने लिया और एल आई टैग को क्लोज कर दिया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैंगो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऑरेंज, उसके बाद और नीचे गए, फिर यहाँ पे हम लोग लिख लिए स्ट्रॉबेरी, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बनाना, ठीक है। तो इस प्रकार से फोर फ्रूट्स की हम लोग यहाँ पे लिस्टिंग हम लोग ने कर लिया। तो मैं इसको करता हूँ सेव, ठीक है, सेव एज करके मैंने एक बार फाइल सेव कर चुका। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आके रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आउटपुट हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे है और यहाँ पे हम लोग ने दे दिया है लिस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 की जगह रोमन नंबर में, तो वैसा भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टाइप, एक एट्रीब्यूट होता है टाइप इक्वल टू, मैं यहाँ पे डबल कोट के अंदर दे दूंगा स्मॉल आई, ठीक है, टाइप इक्वल टू स्मॉल आई अगर मैं दे देता हूँ तो यहाँ पे जो 1 2 3 4 है अब वो रोमन नंबर में चेंज हो जाएगा, रोमन नंबर में चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ कैपिटल आई लिखता हूँ तो कैपिटल रोमन नंबर्स में आएगा इस प्रकार का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ स्मॉल ए, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ए बी सी डी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ए लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कैपिटल ए बी सी डी। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिस्टिंग के टाइप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग टाइप नहीं देते हैं तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 हम लोग को देखने मिलेगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 हम लोग को देखने मिलेगा, ठीक है। अगर मान के चलो कुछ ऐसा करना है हम लोगों की 4 3 2 1 ऐसा उल्टा डिस्प्ले हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिवर्स लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे रिवर्स, ठीक है, तो ये उल्टा प्रिंट होगा।
4321 हो जाएगा, मतलब सिर्फ नंबरिंग होगा उसकी, लिस्टिंग सेम वही रहेगी, सिर्फ नंबरिंग उल्टा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इस ऑर्डर में लिखा है, तो ये ऑर्डर कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन हम लोग इस नंबर का टाइप हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा टाइप, टाइप मैंने लिखा टाइप इक्वल टू, मैं यहाँ पे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे वन, ठीक है, तो टाइप इक्वल टू वन अगर मैं देता हूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 आएगा। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ स्टार्ट, स्टार्ट इक्वल टू मैं यहाँ पे दे देता हूँ 5, यहाँ पे देता हूँ 5, अब देखते हैं क्या होगा, ठीक है। स्टार्ट मैंने दे दिया 5, ठीक है, टाइप क्या है 1 2 3 4 है, ठीक है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं विथ स्टार्ट एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे मेन दो एट्रीब्यूट होते हैं, टाइप और स्टार्ट एट्रीब्यूट होते हैं। टाइप जो है वो उस नंबर की लिस्टिंग का टाइप डिसाइड करता है, और स्टार्ट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होना है इसको ये बताता है। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ टाइप इक्वल टू ए, मतलब स्मॉल ABCD आएगा, ठीक है, लेकिन स्टार्ट इक्वल टू 5 मैंने यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे ई से स्टार्ट हुआ, मतलब फिफ्थ लेटर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अगर मैं स्टार्ट में ई देता हूँ, ठीक है, तब क्या होगा देखते हैं, ठीक है, स्टार्ट में ई अगर मैं देता हूँ तो ई से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि स्टार्ट हमेशा नंबरिंग लेगा, स्टार्ट में हम लोग को नंबर ही डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब 5 अगर मैं दे रहा हूँ तो फिफ्थ लेटर से ही स्टार्ट होगा, ठीक है, स्टार्ट में हमेशा हम लोग को नंबर देना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मान के चलो देता हूँ 15, ठीक है, तो यहाँ पे जो 15th लेटर होगा अल्फाबेट का, 15th लेटर जो होगा उससे स्टार्ट होगा, मतलब ओ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग दो एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, टाइप और स्टार्ट का, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे यूएल टैग, तो मैं इसको सीधा सीधा कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लूंगा अन ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, और यहाँ पे ओएल की जगह मैं लिख दूंगा यूएल, यूएल, ठीक है, और ये टाइप वगैरह मैं सारा चीज हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आके मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम लोग देख सकते हैं कि इस टाइप का बुलेट करके हम लोग को मिल गया है, ठीक है। अब ये बुलेट को अगर हम लोग को चेंज करना है तो कैसे करते हैं, ठीक है, इसमें कुछ ऑर्डरिंग तो है नहीं, हम लोग यहाँ लिखेंगे टाइप इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सर्कल, ठीक है, टाइप इक्वल टू मैं यहाँ लिखता हूँ सर्कल, तो क्या आ गया, सर्कल टाइप का आ गया, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है सर्कल, ठीक है। टाइप इक्वल टू मैं स्क्वायर देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है, डब्बा डब्बा आ गया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ बुलेट, ठीक है, तो नॉर्मल जो बुलेट आएगा वो ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग को कोई आइकन भी लगाना है यहाँ पे तो भी हम लोग आइकन भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग को CSS अप्लाई करना पड़ेगा, हम लोग इसकी जगह कोई दूसरा आइकन भी लगा सकते हैं। एक होता है एरो, एरो भी लगता है, नहीं एरो नहीं लगता, स्क्वायर लगता है, सर्कल लगता है, बुलेट लगता है, ठीक है, तीन प्रकार के यहाँ पे टाइप इसके होते हैं। लेकिन अगर हम लोग को कोई आइकन लगाना है तो हम लोग CSS के थ्रू लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये था अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे मैंने H2 में लिख लिया डेफिनेशन लिस्ट, और उसके बाद हम लोग यहाँ डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट करेंगे, उसके लिए यहाँ यूज करेंगे DL टैग, DL, ठीक है। DL को ओपन किया और मैंने यहाँ पे DL को क्लोज कर दिया, ठीक है, DL ओपन हुआ और क्लोज हो गया। अब उसके बाद इसके अंदर दो चीजें हम लोग देंगे, DT, ठीक है, DT टैग और DD टैग। DT होगा डेफिनेशन टाइटल और DD होगा डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन,
ठीक है, तो डेफिनेशन टाइटल में मान के चलो मैंगो लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिख लिया मैंगो, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, दिस इज फ्रूट्स समर, ठीक है, ऐसा मैंने कोई भी एक डिस्क्रिप्शन लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ इस प्रकार का हम लोग को लिस्ट यहाँ पे देखने मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं सेम चीज इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, फिर मैं ऑरेंज लिखता हूँ यहाँ पे, मैंगो की जगह लिख लेते हैं ऑरेंज, यहाँ पे इसका कुछ डिस्क्रिप्शन हम लोग दे देंगे, दिस फ्रूट कंटेन्स विटामिन सी, ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पे दे दिया, तो ऑरेंज यहाँ पे आएगा और उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कुछ इस प्रकार का, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देते हैं हम लोग स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी मैंने यहाँ पे दे दिया स्ट्रॉबेरी, ठीक है, मैंने कोई भी डिस्क्रिप्शन दे दिया, जरूरी नहीं एकदम एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन दे, हम लोग एग्जाम्पल के लिए कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी आ गया है, ठीक है, तो स्ट्रॉबेरी दिस इज फ्रूट ऑफ विंटर, इस टाइप का कोई भी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और उसके बाद लास्ट हम लोग दे देते हैं बनाना, ठीक है, दिस फ्रूट इज फॉर ठीक है, इस प्रकार का हम लोग कोई भी एक डिस्क्रिप्शन दे दिए, तो यहाँ पे हम लोग ने डेफिनेशन टाइटल दिया और उसका डिस्क्रिप्शन दिया, तो हम लोग ने यहाँ पे चार टाइटल दिए हैं, मैंगो ऑरेंज स्ट्रॉबेरी और बनाना, चारों टाइटल के अंदर डीडी टैग में हमने इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये डीडी टैग हम लोग ने लिखा, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डीटी के अंदर थोड़ा सा डीडी, इस प्रकार से हम लोग इसको अलाइन कर सकते हैं ताकि हम लोग का जो आउटपुट रहे वो यहीं से हम लोग को पता चल जाए कि आउटपुट क्या आने वाला है। तो इस प्रकार से हम लोग ने यहाँ पे तीन टाइप के लिस्ट देखे, ऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें हम लोग ओएल टैग यूज करते हैं और लिस्टिंग के लिए एलआई टैग यूज करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड हमने देखा अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें हम लोग ने यूज किया यूएल टैग और उसके अंदर ने हम लोग लिस्टिंग के लिए एलआई टैग का यूज किया, थर्ड आता है डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है, जिसमें हम लोग डीएल टैग यूज करते हैं और इसके अंदर एलआई टैग नहीं होता है, इसमें होता है डीटी टैग जो कि हम लोग डेफिनेशन टाइटल के लिए यूज करते हैं, और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन के लिए होता है डीडी टैग, ठीक है, जिसमें हम लोग इस टाइटल का डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से तीन लिस्ट हम लोग ने यहाँ पे कंप्लीट किया।